कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने ग्राम मछली गांव टोला परसौनी में एक युवक को मारपीट कर हत्या करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरोवर ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान मनोज पुत्र स्वर्गीय चौथी निवासी ग्राम मछली गांव टोला परसौनी थाना कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर, दूसरा सन्नी पुत्र चौथी निवासी ग्राम मछली गांव टोला परसौनी थाना कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसएसपी ने बताया कि 31 दिसंबर की रात को नया साल 2023 का जश्न डीजे बजाकर मनाते समय आग तापने के दौरान कुर्सी में पैर लगने की बात को लेकर लकड़ी के चैले से मारकर सोनू को घायल कर देने, इलाज के दौरान गायत्री हॉस्पिटल गोरखपुर में 1 जनवरी को सोनू की मृत्यु हो जाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसको देखते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में कैंपियरगंज उप निरीक्षक विशाल कुमार शुक्ला, हेड कांस्टेबल अभोरिक यादव, एकांश सिंह, श्याम बाबू शाह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरोवर ने कहा, एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, उस संबंध में अभियुक्त पंजीकृत किया गया था, जिसमें 4 अभियुक्त नामित किए गए थे। 2 अभियुक्तों को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया था और 2 अभियुक्त शेष बचे थे, मनोज और सन्नी, उनको आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। देखिए, जनपद गोरखपुर के थाना कैंपियरगंज में 31 दिसंबर 2022 को एक गांव में नववर्ष के को लेकर के जो आयोजन हो रहा था, उसमें डीजे बजाने को लेकर के और अन्य किसी कारण से विवाद हुआ, जिसमें एक व्यक्ति को चोटें पहुंचाई गई। बाद में उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और मॉर्निंग में उसकी डेथ हो गई। इस संबंध में परिजनों द्वारा एक मुकदमा थाने पर पंजीकृत कराया गया, जिसमें 4 लोगों को नामजद किया गया था। पूर्व में 2 अभियुक्तों को ऑलरेडी जेल भेजा जा चुका है। आज इसके 2 अभियुक्त मनोज और सन्नी को अरेस्ट करके, जो इस घटना के मुख्य अभियुक्त हैं, उनको भी अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। साक्ष्यों के आधार पर इस पूरी घटना की विवेचना आने वाले दिनों में की जाएगी।